नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट आईटीआई में। आशा करते अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपको ले कर रहे हैं फिर से एक बार 26वां क्लास है ये TRW सेप्टेंड 11 के लिए। ठीक है, पहले हमने 25 क्लास करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल में TRW सेप्टेंड 11 के नाम से बना होगा प्लेलिस्ट, आप उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मिलिंग कटर के अत्याधुनिक पर बनाए गए किनारे में से कौन सा कारण है? ऑप्शन ए रेक एंगल इज लेस, ऑप्शन बी मटेरियल ऑफ द जॉब इज डक्टाइल, ऑप्शन सी नेदर ए और बी, या फिर ऑप्शन बी नेदर ए और बी। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आइदर ए और बी, मतलब ए और बी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सादा मिलिंग के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए फेस मिलिंग, ऑप्शन बी टी स्लॉट, ऑप्शन सी मशीनिंग फ्लैट सरफेस, या फिर ऑप्शन डी मिलिंग नैरो स्लॉट। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर का, मशीनिंग फ्लैट सरफेस। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भौतिक संपत्ति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कलर, ऑप्शन बी डेंसिटी, ऑप्शन सी कंडक्टिविटी, या फिर ऑप्शन डी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर का, टेंसिटी। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रासंगिक बल जारी होने पर धातु को अपने मूल आकार में लौटने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए मलेबिलिटी, ऑप्शन बी टेंसिटी, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, या फिर ऑप्शन डी इलास्टिसिटी। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर का, इलास्टिसिटी। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातु को रोटर के साथ हथौड़ा रोलिंग इत्यादि द्वारा किसी भी दिशा में विस्तारित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मेलेबिलिटी, ऑप्शन बी टेंसिटी, ऑप्शन सी डक्टिलिटी, या फिर ऑप्शन डी इलास्टिसिटी। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मेलेबिलिटी। क्या होगा ए, इसमें आपका राइट आंसर होगा मेलेबिलिटी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक काउंटर सिंकिंग और उत्तल त्रिज्या केंद्र ड्रिल पर केंद्र के छेद पर क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए केंद्र की छेद की असर सतह पर प्रदान की जाती है? सुरक्षात्मक कड़ कक्ष कोण पर है, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 100 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 120 डिग्री। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 120 डिग्री। ठीक है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन का उपयोग केंद्र ड्रिलिंग के लिए नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए लेथ, ऑप्शन बी सेपर, ऑप्शन सी ड्रिलिंग मशीन, या फिर ऑप्शन डी वर्टिकल मिलिंग मशीन। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है, सेपर। सेपर का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते ड्रिलिंग के लिए। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक खराद में परिवर्तन गियर में निम्न में से कौन सा कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए जीब हेड की, ऑप्शन बी फीडर की, ऑप्शन सी वुड रफ की, या फिर ऑप्शन डी सैडल की। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फीडर की। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, उस कुंजी को मान नाम दे जो आकार में आयताकार है और इसे ठीक करने और हटाने के दौरान ड्राइव करने के लिए एक सिर है, मतलब कि हेड है। ऑप्शन ए जीब हेड की, ऑप्शन बी वुड रफ की, ऑप्शन सी फीडर की, या फिर ऑप्शन डी सैडल की। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जीब हेड की। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल के लंबवत आंदोलन को किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए सिंपल गियर ट्रेन, ऑप्शन बी वर्म एंड वर्म गिविल, ऑप्शन सी कंपाउंड गियर ट्रेन, या फिर ऑप्शन डी रैक एंड पिनियन। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, रैक एंड पिनियन। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, समांतर सैंक रिमर द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए ड्रिल चक, ऑप्शन बी सॉकेट, ऑप्शन सी टैप रिंच, या फिर ऑप्शन डी स्पैनर। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, टैप रिंच। 62 नंबर क्वेश्चन है, अपने रेंज के भीतर छेद के विभिन्न आकारों को रिम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिमर का नाम? ऑप्शन ए टेपर रिमर, ऑप्शन बी टेपर पिन रिमर, ऑप्शन सी एक्सपेंशन रिमर, या फिर ऑप्शन डी एडजस्टेबल रिमर। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर का, एडजस्टेबल रिमर।
तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ए प्रकार के ड्रिल का पदनाम है केंद्र ड्रिल ए 1.6 × 4.06708 है। तो 1.6 × 4.0 का मतलब है ऑप्शन ए है 1.6 mm डेप्थ ऑफ प्लेन होल एंड 4.0 mm डेप्थ ऑफ कोनिकल होल, या फिर ऑप्शन बी है 1.6 mm डाया ऑफ प्लेन होल और 4.0 mm डायमीटर ऑफ शैंक। ऑप्शन सी है 1.6 mm डाया ऑफ प्लेन होल एंड 4.0 mm लेंथ ऑफ प्लेन होल। ऑप्शन डी है 1.6 mm डेप्थ ऑफ प्लेन होल एंड 4 mm डाया ऑफ शैंक। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1.6 mm डाया ऑफ प्लेन होल एंड 4.0 mm डायमीटर ऑफ शैंक। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक माइक्रोमीटर स्पिंडल में 2 mm पिच थ्रेड और सर्कुलर स्केल थिम्बल में 50 डिवीजन है तो इसकी कम से कम गिनती होगी। ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.02 mm, ऑप्शन सी 0.03 mm, या फिर ऑप्शन डी है 0.04 mm। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 0.04 mm। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, 65 नंबर क्वेश्चन है, मापने के दौरान प्रभाव क्या है यदि सॉफ्ट स्टॉप माइक्रोमीटर का प्रदान नहीं किया जाता। सॉफ्ट यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होगा रैचेट। ठीक है, एक बार हिंदी इंग्लिश मिलाकर पढ़िए आप लोग, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्शन ए है गलत पढ़ना, इनकरेक्ट रीडिंग। ऑप्शन बी है कम से कम गिनती इससे बढ़ जाती है। ऑप्शन सी कम से कम गिनती घट जाती है, या फिर ऑप्शन डी माइक्रोमीटर का जीवन बढ़ता है। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इनकरेक्ट रीडिंग, मतलब कि गलत पढ़ना। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल की परिधि गति के रूप में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फीड, ऑप्शन बी डेप्थ ऑफ कट, ऑप्शन सी कटिंग स्पीड, या फिर ऑप्शन डी आरपीएम ऑफ स्पिंडल। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कटिंग स्पीड। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, क्या होगा अगर रिमर रिमिंग करते समय एंटी क्लॉक वाइज दिशा में बाहर निकल रहा है। ऑप्शन ए गुड सरफेस फिनिश, ऑप्शन बी गुड डायमेंशन एक्यूरेसी, ऑप्शन सी रफ सरफेस, या फिर ऑप्शन डी स्क्रैच सरफेस। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है स्क्रैच सरफेस। 68 नंबर क्वेश्चन है, छेद का अधिकतम आकार क्या है जिसे एक राइट ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करके ड्रिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए 5 20 mm, ऑप्शन बी 5 22 mm, ऑप्शन सी 5 25 mm, या फिर ऑप्शन डी 5 50 mm। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 50 mm। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन में दो दिशा में स्लाइडिंग गति के साथ एक टेबल है 90 डिग्री के एक दूसरे के लिए। ऑप्शन ए पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बॉक्स कॉलम टाइप पिलर ड्रिलिंग मशीन, या फिर ऑप्शन डी राउंड कॉलर टाइप पिलर ड्रिलिंग मशीन। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा बॉक्स कॉलम टाइप पिलर ड्रिलिंग मशीन। सत्तर नंबर क्वेश्चन है, डीटीआई में पॉइंटर की रोटरी गति में प्लम्बर की रोटरी गति को बदलने के लिए किस तंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बैक गियर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ऑप्शन सी कैम एंड फॉलोविंग मैकेनिज्म, या फिर ऑप्शन डी वर्म एंड वर्म व्हील मैकेनिज्म। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा रैक और पिनियन मैकेनिज्म। 71 नंबर क्वेश्चन है, फीट को नाम दे जिसमें सॉफ्ट कमरे के तापमान के नीचे ठंडा हो जाता है जब तक कि यह छेद में फिट बैठता है तो विधानसभा को कमरे के तापमान को प्राप्त करने की अनुमति है। ऑप्शन ए प्रेस फिट बाय एक्सपेंशन, ऑप्शन सी ऑप्शन बी प्रेस फिट बाय श्रिंकिंग, ऑप्शन सी हाइड्रोलिक प्रेस फिट, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है प्रेस फिट बाय श्रिंकिंग। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, आमतौर पर छिद्रों को उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए हेड एंड शैंक साइज, ऑप्शन बी लेंथ
ऑफ शैंक कटिंग एज, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ हेड, ऑप्शन डी लेंथ एंड वाइट ऑफ कटिंग एज। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लेंथ विथ ऑफ कटिंग एज, लंबाई मतलब कि लेंथ माने लंबाई और चौड़ाई की कटिंग एज से। ठीक है चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है, 60 degree 45 minute कोड बताना है आपको, तो 60.75 degree, 60.5 degree, 60.25 degree मतलब 25 डिग्री, या फिर 60.6 डिग्री। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 60.75 या 75 डिग्री। ठीक है चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ड्रिल पद नाम नहीं है, ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी एच, ऑप्शन डी क्यू। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर क्यू। 75 नंबर क्वेश्चन है, अन्य केंद्रों की तुलना में अधिक जीवन किस प्रकार के केंद्र हैं, ए टिप सेंटर, ऑप्शन बी हाफ सेंटर, ऑप्शन सी बॉल सेंटर, या फिर ऑप्शन डी रिवॉल्विंग सेंटर। इसमें आप डी राइट आंसर होगा, रिवॉल्विंग सेंटर। ठीक है चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार की बियरिंग्स अच्छी है जोर नगड़े होंगे, ऑप्शन ए हेलिकल गियर, ऑप्शन बी स्पर गियर, ऑप्शन बी बेवल गियर, या फिर ऑप्शन डी हेरिंग बोन गियर। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, हेरिंग बोन गियर। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन है, समांतर ब्लॉक का उपयोग के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए चेकिंग, ऑप्शन बी कटिंग, ऑप्शन सी मार्किंग, या फिर ऑप्शन डी टू चेक पैरालिज्म। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, टू चेक पैरालिज्म। ठीक है पैरेललिज्म। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे कपलिंग की कांच की बोतलों में किस प्रकार के धागे का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए एक में थ्रेड, ऑप्शन बी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी वी थ्रेड, या फिर ऑप्शन डी नकल थ्रेड। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, नकल थ्रेड। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल प्रेस में जो सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला टेपर आकार है, ऑप्शन ए MT2, ऑप्शन बी MT3, ऑप्शन सी MT4, या फिर ऑप्शन डी MT5। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, MT5। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, आर के वेल्डिंग में हर तारी वोल्टेज का मूल्य क्या है, ऑप्शन ए 240, 220 से 240, ऑप्शन बी 80 से 100, ऑप्शन सी 40 से 100, या फिर ऑप्शन डी 440 से 460। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 40 से 100 वोल्ट। ठीक है चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड में किस प्रकार के दांत काटा जाता है, ऑप्शन ए एक में थ्रेड, ऑप्शन बी स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन सी वी थ्रेड, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ एबव या दिस। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक में थ्रेड। 82 नंबर क्वेश्चन है, तीन स्टार्ट स्क्रू के पीछे 3 mm है, तीन पूर्ण रोटेशन के बाद स्क्रू की अच्छी यात्रा क्या है होगी, ऑप्शन ए 3 mm, ऑप्शन बी 6 mm, ऑप्शन सी 4.5 mm, या फिर ऑप्शन डी 9 mm। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर का 9 mm, कि तीन स्टार्ट थ्रेड है और 3 mm पीछे है, तो 3 का 3 का गुणा कर देंगे आपको 9 हो जाएगा। ठीक है 83 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिल में अत्याधुनिक के माध्यम से शीतलक किस तरह से बहता है, ऑप्शन ए वेव, ऑप्शन बी लैंड, ऑप्शन सी बॉडी, या फिर ऑप्शन डी फ्लूट। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर का फ्लूट, फ्लूट के माध्यम से ही शीतलक आता जाता है। ठीक है BIS प्रणाली में छेद के मौलिक विचलन को कैसे इंगित करें, ऑप्शन ए स्मॉल लेटर, ऑप्शन बी कैपिटल लेटर, ऑप्शन सी नंबर्स ओनली, या फिर ऑप्शन डी आइदर कैपिटल स्मॉल लेटर। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कैपिटल लेटर। 85 नंबर क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर उत्पादन का क्या फ़ायदा है, ऑप्शन ए प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज, ऑप्शन बी मेजरिंग टाइम इज इंक्रीज, ऑप्शन सी जीग एंड फिक्सचर आर नीडेड, और ऑप्शन डी स्पेशल पर्पस मैकेनिज्म आर नीडेड। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रोडक्शन रेट इज इंक्रीज। ठीक है चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर उत्पादन का नुकसान क्या है, ऑप्शन ए प्रोडक्शन रेट इज लो, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ पीस इज रिड्यूसेड, या फिर ऑप्शन सी है जिग एंड फिक्सचर आर नीडेड, या फिर ऑप्शन डी गेज आर यूज्ड टू
चेक द कंपोनेंट, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट है, जिग एंड फिक्सचर आर नीडेड, जिग और फिक्सचर की ज़रूरत होती है। 87 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर क्या है? ऑप्शन ए कोड़ी मापने उपकरण, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष मापने उपकरण, ऑप्शन सी प्रेसिजन मापने उपकरण, या फिर ऑप्शन डी टेलीस्कोपिक मापने उपकरण। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर का प्रेसिजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि प्रेसिजन मापने उपकरण। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज में स्क्रेपर पॉइंट के बजाय डायल सूचक का उपयोग करने का कारण क्या है? ऑप्शन ए टू चेक एसेंट्रिसिटी, ऑप्शन बी फॉर एक्यूरेट मार्किंग, ऑप्शन सी फॉर एक्यूरेट मेजरिंग, या फिर ऑप्शन डी फॉर गुड अपीयरेंस। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टू चेक एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है, ए इसमें राइट आंसर होगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल हेड रेडियल ड्रिलिंग मशीन में कहाँ तय किया गया है? ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी रेडियल आर्म, ऑप्शन डी एक्सिलरी केबल। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रेडियल आर्म। क्या होगा इसमें? सी राइट आंसर होगा आपका, रेडियल आर्म। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर के अंगूठे लीवर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए फॉर गेटिंग लिस्ट काउंट, ऑप्शन बी टू टेक इंटरनल मेजरमेंट, ऑप्शन सी टू टेक एक्सटर्नल मेजरमेंट, या फिर ऑप्शन डी टू सेट वर्नियर स्लाइड एट एनी पोजीशन। इसमें आपका ऑप्शन डी राइट आंसर, टू सेट वर्नियर स्लाइड एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में सेट करने के लिए स्लाइड किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक क्या है? यदि मेन स्केल के 19 भागों, मतलब कि 19 mm को वर्नियर स्केल में 20 बराबर भागों में विभाजित किया जाए, ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.02 mm, ऑप्शन सी 0.05 mm, या फिर ऑप्शन डी 0.1 mm। इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, 0.05 mm। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में प्रयुक्त तंत्र क्या है? ऑप्शन ए लीवर मैकेनिज्म, ऑप्शन बी थ्रेड मैकेनिज्म, ऑप्शन सी स्प्रिंग मैकेनिज्म, या फिर ऑप्शन डी प्लंजर मैकेनिज्म। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, थ्रेड मैकेनिज्म। 93 नंबर क्वेश्चन है, स्पिंडल फेस में किस गैप को आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग माना जाता है? ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन सी बैरल, या फिर ऑप्शन डी थिम्बल। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एनविल। 94 नंबर क्वेश्चन है, लेथ में वर्कपीस से धातु को निकालने के लिए टूल को कार के अक्ष पर समकोण पर फीड करके ऑपरेशन का नाम है? ऑप्शन ए फेसिंग, ऑप्शन बी नर्लिंग, ऑप्शन सी टी स्टेप टर्निंग, या फिर ऑप्शन डी प्लेन टर्निंग। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट होगा, फेसिंग। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है, लेथ में फेसिंग करने पर टूल को मजबूती से क्लैंप न करने का क्या होगा? ऑप्शन ए कन्वेक्स फेस, आंसर ऑप्शन बी कॉनकेव फेस, ऑप्शन सी करेक्ट फेस, या फिर ऑप्शन डी पीप एट द सेंटर। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर, कॉनकेव फेस, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस हिस्से को उस डेटम सतह के संपर्क में रखना चाहिए जिससे कोण मापा जाता है? ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी ब्लेड, या फिर ऑप्शन डी स्टॉक। इसमें आपका डी राइट आंसर होगा, स्टॉक, ठीक है। क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, स्टॉक। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा बिंदु डायल में पिवोट होता है और इसे 360 डिग्री के माध्यम से घुमाया जा सकता है? ऑप्शन ए है डायल, ऑप्शन बी है डिस्क, ऑप्शन सी है स्टॉक, या फिर ऑप्शन डी है ब्लेड। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डिस्क। डिस्क को ही 360 डिग्री पर घुमाया जाता है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए वन डिवीजन, मतलब कि वन MHD, मतलब कि मेन डिवीजन, ऑप्शन बी वन वर्नियर डिवीजन, ठीक है, VHD मतलब वन ईयर डिवीजन, MHD मतलब मेन डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन। ऑप्शन बी है 1 से 2, ऑप्शन सी है 2 से 1, या फिर ऑप्शन डी है 2 से 2, मतलब कि 2/2।
इसमें आपका ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा टू मेन स्केल डिवीजन से एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की चक में स्वचालित रूप से कार्य को केंद्रित करने और लंबी अवधि के लिए सटीकता बनाए रखने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए क्वाड्रेट चक, ऑप्शन बी फोरजा चक, ऑप्शन सी मैग्नेटिक चक या फिर ऑप्शन डी थ्रीजा चक। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्वाड्रेट चक। क्या होगा इसमें आपका ए राइट आंसर होगा क्वाड्रेट चक। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 1300 नंबर, लेथ में फेसिंग की फिनिशिंग करते समय कितनी गहराई में कटौती करनी होगी। ऑप्शन ए नॉट मोर देन 0.1 mm, ऑप्शन बी नॉट मोर देन 0.2 mm, ऑप्शन सी नॉट मोर देन 0.3 mm या फिर ऑप्शन डी नॉट मोर देन 0.4 mm। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा नॉट मोर देन 0.1 mm। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर से नई क्लास के साथ और नए नए क्वेश्चंस के साथ। ऐसे ही आप देखते रहिए हमारे चैनल को स्मार्ट आईटीआई को और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी सहायता मिल सके। ठीक है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।